हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू गौरव ब्लॉग्स। राधे राधे। अभी बज रहे हैं रात के 2 और तुम्हारा भाई रेडी है, तुम्हारी भाभी भी रेडी है और हम दोनों जा रहे हैं ट्रिप पर। अभी हमारी फ्लाइट है 5 बजे की, तो हमें 2 बजे घर से निकलना है। 2:30 बज रहे हैं अभी, तो हम लेट हैं, फटाफट से निकलते हैं। ये देखो 2 बैग हैं, वो छोटा सा मेरा है और ये बड़ा वाला जो है ये इसका है। ऐसा कुछ नहीं, इस लड़के कपड़े ज़्यादा है, वो तो देख जाएगा कितने कपड़े मेरे ज़्यादा हैं। और ये दोनों बैग मेरे को उठाने हैं, ये मैडम तो एक बैग उठाएंगी और इनका एयरपोर्ट लुक देख लो, रात के 2 बजे फर्स्ट टाइम जा रही है, ऐसा पागलों की तरह हो रखी है फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे। बाय 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 तो कर दो। तो गाइस हम लोग ने चेकिंग कर दिया है, यहाँ चेकिंग कर दिया और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं और इसको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ऐसी आई है सुबह सुबह। ये लड़की मीटिंग में आई है और ऐसे इग्नोर मार रही है मेरे को, जैसे पता नहीं कितनी गहरी मीटिंग हो इसकी, और अपनी कोल्ड ड्रिंक ऐसे पी रही है, मतलब ऐसे कर रही है जैसे इतना मेरे को इग्नोर मारा जा रहा है। तो गाइस हमने वेज फ्राइड राइस ऑर्डर करते थे नूडल्स से, यहाँ पे इन्होंने सफ़ेद चावल देते हैं, थोड़ी सी एक दो सब्जी डाल के और एक खसरा का पता नहीं क्या दे दिया पानी, और एक किमची सैलड दे दिया इन्होंने 300 रुपये बर्बाद। ये बनाने के लिए शेफ को 10 मिनट लग गए। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं चंडीगढ़, सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं। आँखों में नींद भरी पड़ी है, कैब में जाके सोने वाला हूँ मैं। अब जो ये लड़की है मुंह बना के बैठी रहेगी कि इसको विंडो सीट नहीं मिली, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो किसी का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, उसको विंडो सीट नहीं मिली तो समझ सकता है। तो मैं बगल वाले से बात करके बोल रहा हूँ कि भाई मैं बगल वाले से बात कर लेता हूँ। मुझे खुद की सीट 350-400 रुपये की सीट थी, वो फालतू में लें पैसा बर्बाद करें 35 मिनट की ट्रिप के लिए। कैसा फील हो रहा है सर आपको बैग उठा के? तो गाइस हमारी कैब आ चुकी है, हम बैठ चुके हैं, बहुत तेज नींद आ रही है, थोड़ा सोएंगे। इसको देखो 2 मिनट के लिए चश्मा लगाया था इसने, धूप आएगी। तो गाइस मैं तो सो गया था पूरा और ये मैडम जी जगी हुई थी पूरे रास्ते पर। अभी हम कहीं रुके हैं किसी होटल, कोई हवेली है धर्मपुर हवेली में रुके हैं, वहाँ पर खाने के लिए कुछ। तो गाइस हम लोग शिमला आ चुके हैं और अभी हम लोग अपने रूम में हैं, बहुत थक गए थे क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे, फिर उसके बाद हम सो गए, सो के अभी उठे हैं और अभी खाना ऑर्डर करा हम लोगों ने, खाना खाते हैं फिर आपको करवाते हैं हमारे रूम का टूर। तो गाइस ये हमारे रूम का व्यू, रूम से व्यू सॉरी। तो अभी हम हैं शिमला में और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है जैसे कि आपको दिख रहा है, और ये मेरे सहायक जो यहाँ पर खड़े हो गए इसको संभाल रहे हैं, तो कुछ बोल भी सकते हैं, गूंगी नहीं है तू, लोग तेरे को वैसे अंग्रेज समझते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारा बाथरूम कैसा है। ये है कुछ हमारा बाथरूम, डीलक्स रूम बोल के पता नहीं क्या दे दिया है, वैसे है ये 5-स्टार होटल। तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है बता देना आप। बहुत ही गंदा कर दिया है इस महारानी ने। तो यहाँ पर एक TV है और ये एक छोटा सा बेड है और यहाँ पे ऐसे झोपड़ी सी बनी हुई है, बहुत ही प्यारा है, काफ़ी अच्छा लगा। और अभी हम जा रहे हैं माल रोड। गाइस हम लोग तैयार होके नीचे आए और व्यू दिखाता हूँ आपको, पहले व्यू देख लो यार, ये हमारे होटल के वहाँ से व्यू है, क्या तगड़ा व्यू आ रहा है। हम लोग मस्त तैयार होके आए हैं, हमारा जो ड्राइवर है वो कहता है कि भैया कल चलेंगे माल रोड, टाइम हो गया, लेट हो गया। तो गाइस हमारा हो चुका है पोपट, ड्राइवर ने बोल दिया कि भैया कल चलेंगे माल रोड क्योंकि कल ही देख पाएंगे सब कुछ अच्छे से। और अभी हम ऐसे ही बेगानी सड़कों पे टहलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। मेक माई ट्रिप से कभी भी ट्रिप प्लान मत करना भाई, पैसा भी ज़्यादा लेते हैं और फिर इतनी दूर होटल दिया है 5-स्टार होटल के नाम पे, इतना दूर दिया है और इतना छोटा सा रूम दिया। तो भाई कम से कम 2-3 घंटे घूमने के बाद हम लोग आ चुके हैं मोमोज खाने के लिए, थोड़ा सा हमें दूर आना पड़ा बट फाइनली हमें एक दुकान मिली है। तो भाई हमने मोमोज मंगवाए हैं, मोमोज देखने में अच्छे लग रहे हैं बट ये लाल चटनी क्यों देती है समझ से बाहर है, और ये मैडम ने कोल्ड ड्रिंक जरूर मंगवाती है कसम से। और ये तेरे को सिर्फ पोज ही देने आते क्या मुंह से, कुछ बोला नहीं जाता क्या? लोग सोचेंगे हमने चिली ब्रेड ऑर्डर करा है इस इंसान के कहने पे, कुछ इस प्रकार से है ये, टेस्ट करके बताइए कैसे हैं। खाना बहुत टेस्टी है, हाँ बहुत गर्म है यार, मुझे जाएंगे मेरे
तुम्हारी दिल्ली से अच्छा है। माई दिल्ली क्या होता है, तुम्हारी भी दिल्ली है। अभी मुंबई है। अभी मुंबई नहीं है, दिल्ली है तुम्हारा। धीरे धीरे दिल्ली होगी। धीरे धीरे नहीं, हो चुका है दिल्ली। पर दिल्ली से अच्छा। चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ कैसा है। पहले स्मेल करूँ। कॉपी कैट खूब मारो। कॉपी कैट कैसा है? मस्त है ना? क्रिस्पी है, बढ़िया है। मोमोज से तो काफ़ी अच्छे हैं। ऑर्डर किसने किया है? मैंने। मैंने मैंने किया। गाइस आज मैम के फॉलोवर्स मिल गए, मैम के साथ फोटो खिंचवा ली। मैम को मज़ा आ गया। गाइस व्यू देखो आप, ये वाला सेक्सी, मुझसे भी ज़्यादा सेक्सी। ज़्यादा हो गया ये ज़्यादा हो गया, लेकिन बहुत प्यारा व्यू है, कसम से मज़ा आ गया। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये जो इंसान दिख रहा है ना, इसको मैगी खानी है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आए हैं एक छोटे से स्टॉल पे मैगी खाने के लिए, क्योंकि मुझे मैगी खानी थी। ये बेदर्द इंसान, तो हम इतने दूर चल के आए हैं, इतना स्ट्रगल करके आए हैं मैगी खाने के लिए, सिर्फ मैगी कच्ची सी। इसको पता नहीं है पहाड़ों की मैगी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस पूरी तफरी मार के हम लोग आ चुके हैं अपने होटल में, और होटल का हमारा रूफ टॉप है कुछ इस तरीके से, मस्त लग रहा है। इसका व्यू दिखाता हूँ, व्यू तो आपको दिखा दिया 50 बारी, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। अब क्या कर, पैसा खर्च कर रहा था, फ्लैक्स तो थोड़ा मारेंगे ना। कोहरा दिख रहा है मुझे, तो कोहरा के बीच में एक रेड कलर की मंदिर है टॉप पे एकदम। अच्छा जूम करो। हाँ ऐसे जूम करूँ तेरे लिए, खूब सारी फोटोज क्लिक कराने के बाद हम लोग थक हार के पैर सो जा के घर में वापसी, घर नहीं सॉरी होटल में अपने वापसी आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो आज के दिन का ही कम से कम 10वां या 11वां आउटफिट चेंज करा इन मैडम ने। आप किस लिए चेंज करे हैं? सर के कपड़े हमने ग्रहण किए हैं। आप किस लिए चेंज करा है आपने? ये रात के डिनर के लिए है। डिनर के लिए देखो पूरा फैलावा कर दिया, दो दिन के लिए हम इस होटल में हैं, दो दिन के अंदर इसने इतना फैलावा कर दिया। गाइस अभी हम आए हैं नीचे कुछ खाने के लिए, और इसका अब डिनर लुक है। ठंड लग रही है, जब मैं बोल रहा था ठंडी ठंडी ठंडी, अब ठंड लग रही है। इसको कुछ ऑर्डर करते हैं पहले, तो यहाँ लग रहा है बफे सिस्टम है, बट ये पूछ के आइए कि यहाँ पे हम कुछ इंडिविजुअल भी खा सकते हैं, कई मेन्यू आएगा फिर हम कुछ ऑर्डर करते हैं। तो एक घंटा वेट करने के बाद हमारे हाक्का नूडल्स और ये चिली पटेटो हैं। चिली पटेटो की जगह ना इन्होंने आलू के पकौड़ों के को जो है ना इसे पानी में फ्राई कर दिया है, वो दे दिया है। कैसा लग रहा है? यम्मी। इसको अच्छा लगा, अब ये आधा डब्बा खाइए। तो गाइस इस व्लॉग को हम एंड करते हैं, खाना हमने खा लिया है, अब हम माउंटेन ड्यू पे नहीं आए हैं अपने सनरूफ बोल रहा हूँ रूफ टॉप पे, और क्या ही ब्यूटीफुल व्यू है, देख सकते हैं रात को भी लाइटिंग क्या प्यारी लग रही है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और ये हमारी लाइटमैन हमें लाइट देती हुई बेचारी, तो बंदा हर क्लिप में मेरे को काम पे लगाती रहे। तो बोल दे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे हमारे व्लॉग को प्यार दे। भाई दे दो यार, बहुत प्यार की ज़रूरत है आप लोगों को। तो गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया ब्लॉग्स और आने वाले हैं, और हमारा ये शिमला मनाली ट्रिप के भी ब्लॉग्स और आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।